दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग जन्माष्टमी वाला फोटो किस तरीके से बना सकते हो। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे ये वाला फोटो देख सकते हो, काफी ज्यादा कमाल का यहां पे लग रहा है। सेम टू सेम आप लोग को इसी तरीके का एडिटिंग करना सिखाऊंगा। ये भी आप लोग फोटो देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे लाजवाब लग रहा है। ठीक है, सिर्फ आप लोग एक क्लिक में आप लोग कुछ इस तरीके से फोटो बना सकते हो। दोस्तों वही मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों अपने स्क्रीन पे आने वो सबसे पहले तो आप लोग एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा जिसका नाम है पिंटरेस्ट एप्लीकेशन, जो कि आप लोग को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करना है दोस्तों, और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या सर्च करना है चलिए मैं आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है कृष्णा, मतलब राधा कृष्णा, मतलब इमेज आपको सर्च करना है। ठीक है, इतना आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ से आप लोग कोई सा भी एक फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ से कोई सा भी एक फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ जो मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से कोई सा भी एक फोटो को डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी कुछ इस तरीके से करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए ऊपर आप लोग को थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा दोस्तों, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इजिली आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चाहो तो आप लोग, मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मैं पहले से कुछ डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप लोग उसमें यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और यहाँ से आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ से आपको सर्च करना है रेमेकर AI। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रेमेकर AI आपको सर्च करना है। इतना आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे दो नंबर पे लिंक दिखाई दे रहा है तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से वेबसाइट को ऑन करता हूँ और आपको भी यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है दोस्तों, इसको जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि दो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी में आप लोगों को काम करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे फेस स्वाइप पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले अपलोड इमेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो फर्स्ट वाले अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपका गैलरी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करना होगा और दोस्तों यहाँ से आप लोग को जिस फोटो का यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं उस फोटो को आप लोग ले लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला फोटो ले लिया हूँ दोस्तों, और यहाँ पे फेस भी देख सकते हो किसी और का फेस है दोस्तों। तो मैं अपना फेस यहाँ पे एड करके दिखाने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि आप लोग जन्माष्टमी वाला फोटो किस तरीके से बना सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे इतना करने के बाद आप लोग नीचे आप लोग देखिएगा तो अपलोड स्वैप इमेज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करके और यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना फोटो यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने फोटो को यहाँ पे फोल्डर से सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपने फोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने फोल्डर में आ गया है दोस्तों, और यहाँ से मैं अपने फोटो को चूज कर लेता हूँ। जो मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ से फोटो को ले लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा ऐसा आप लोग को फेस रखना है दोस्तों कि यहाँ पे पूरा आप लोग को फेस यहाँ पे दिखाई दे। इतना करने के बाद आप लोग नीचे आप लोग स्वैप का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप लोग 5 से 10 सेकंड तक आपको वेट करना है, आपका फोटो बन के रेडी हो जाएगा। जो कि ये देख सकते हो मेरा फोटो बन के भी रेडी हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से। और देख सकते हो फेस किस तरीके से यहाँ पे मतलब पूरा रियलिस्टिक यहाँ पे चेंज होकर आ चुका है। किसी और का फोटो रहेगा दोस्तों, आप लोग सिर्फ यहाँ पे रेमेकर AI से आप लोग अपना फोटो यहाँ पे डाल के अपना फेस को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जो कि यहाँ पे आप लोग चेक करके भी देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त यहाँ पे लग रहा है। ऐसा एडिटिंग आप लोग कोई नहीं बताएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फोटो कितना लाजवाब यहाँ पे लग रहा है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर आप लोग देख लीजिए डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लोग तो पता है कि आप लोग अपना तो फेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक साथ ही गर्ल्स का फोटो किस तरीके से चेंज होगा वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग को बैक आना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे बैक आता हूँ और दोनों को एक साथ ही आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, मल्टीपल फेस पे आपको क्लिक करना होगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल का मतलब आप लोग एक से ज्यादा आप लोग कर सकते हो, यानी दो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे साइन अप करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे साइन अप मतलब यहाँ पे क्लिक करना है गूगल पे, और यहाँ से अपने कोई सा भी ईमेल आईडी आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी सिलेक्ट कीजिएगा, आप लोग को लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे ब्राउजर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका गैलरी खुल के आ जाएगा। आप लोग जिस फोटो को आप लोग लेना चाहते हो उस फोटो को ले सकते हो। जो कि मैं यहाँ पे पहले वाला फोटो ही ले रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कोई सा भी फोटो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से पहले वाला फोटो है, और यहाँ पे मैं अपना भी चेंज करूंगा और ये जो गर्ल्स है इसका भी फेस यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लस का आइकन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा तो अपने यहाँ पे अपना फेस यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, जो यहाँ पे बॉयज वाला फेस है इसमें आप लोग अपना फेस यहाँ पे ऐड करना होगा।
तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से अपने फेस को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप लोग भी कुछ इस तरीके से करके अपने फेस को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने फोटो को चूज कर देता हूँ, आप लोग भी कुछ इस तरीके से करके फोटो को चूज कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल्स वाले प्लस का आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे ब्राउजर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोग कोई सभी गर्ल्स वाले फोटो को ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला फोटो, किसी का फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्वाइप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो, स्वाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो और यहाँ पे स्वाइप में क्लिक कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5 से 10 सेकंड तक आपको वेट करना होगा और यहाँ से आपका फोटो बन के भी रेडी हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो जन्माष्टमी वाला फोटो किस तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से। तो यह भी देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से मेरा भी फेस यहाँ पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो गर्ल्स है उसका भी फोटो यहाँ पे चेंज हो चुका है, मतलब फेस चेंज हो चुका है। और कितना ज्यादा यहाँ पे कमाल का वीडियो मतलब लग रहा है देख सकते हो दोस्तों, और कितना ज्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक आप लोग देख सकते हो, कितना मस्त यहाँ पे चेंज होकर आ चुका है। इस तरीके से करके आप लोग अनलिमिटेड यहाँ पे फोटो बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। ये फोटो आप लोग देख सकते हो या किसी और का फोटो है दोस्तों, और फेस भी किसी और का है, ठीक है। और मैं यहाँ से अपना फेस यहाँ पे चेंज कर दिया और गर्ल्स का भी फोटो यहाँ पे मतलब यहाँ पे फेस चेंज कर दिया, ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे मैं अपना फोटो यहाँ पे लिया हूँ और यहाँ से कोई सभी गर्ल्स का फोटो आप लोग को दिखाने के लिए लिया हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से पूरा रियलिस्टिक जो भी मैं यहाँ पे चेंज किया हूँ यहाँ पे हो चुका है। तो इसको भी आप लोग को डाउनलोड करने के लिए वाला डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो इमेज से वीडियो बनाना तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हुई दोस्तों, तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जो भी मैं यूज किया हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इजिली वहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए किसी अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय।